नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बांदा जिले के कालंजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत के गांव सौता निवासी गरीब किसान हरिराम यादव का परिवार अपनी भूमिधरी जमीन पर रहता है। सत्ता पक्ष के नारायणी विधानसभा से विधायक राजकरण कबीर द्वारा फर्जी रजिस्ट्री अपने पुत्र के नाम करवा कर जबरन कब्जा करने व पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर परिवार को धमकाने का आरोप गरीब किसान ने विधायक पर लगाया। वहीं उसने बताया कि सत्ता पक्ष विधायक के होने के चलते उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर से कालंजा थाना पुलिस द्वारा उसके ऊपर मुकदमा लगाकर जेल भिजवाने की धमकी दी जा रही है। दिन रात उसके दरवाजे पुलिस भेज परिवार के साथ गाली गलौज किया जा रहा है और दबाव बनाया जाता है कि जमीन खाली कर दो, वो विधायक है और कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस के साथ विधायक गुर्गे धमकियां देते रहते हैं, जिसके कारण अब रिश्तेदारों के यहाँ परिवार छोड़कर पुरुष को बाहर रात गुजारना पड़ रहा है। विधायक के गुर्गों ने उसके कच्चे घर में रात्रि में आग लगा कर जान से मारने की कोशिश की, जिससे उसका परिवार डरा और सहमा हुआ है और घर छोड़कर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। नारायणी विधायक राजकरण भूमिधरी जमीन पर जबरन कब्जा करवाने में तुले हुए हैं। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, ऊपर से पुलिस प्रताड़ना से परेशान है। भैया, क्या नाम है आपका? हरिराम। कहाँ रहते हैं? सौता कलिंजर। अच्छा, क्या मामला है पूरा? सर, इसमें आज दरोगा जी विधायक जी के साथ आए थे, तो विधायक जी ने कह रहे थे कि ये हमने ज़मीन खरीदी है, इसको यहाँ से हटाइए, इनको गिरवा दीजिए, इनको पकड़ के जेल करिए, तो इसके बाद हम यहाँ मकान बनाएंगे और कब्जा कर लेंगे। हमारे रिश्तेदार मकरी एमपी पड़ता है, तो वो बैठे थे, आए थे हमारे मिलने के लिए, तो उनको पकड़ के ले गए। हम मौके में नहीं मिले तो उनको ही ले गए। फिर वो गए तो उनको 5 घंटे बाद छोड़ा और उनसे कहा कि उनको कह दीजिए कि वो वहाँ से हटा लें अपना कब्जा, और नहीं हम इनको जेल भेज देंगे, और धमकी दे रहे थे कि उनको जल्दी खाली करवाइए। कौन विधायक थे, क्या नाम था उनका? उनका राजकरण विधायक। कहाँ के विधायक हैं? नारायणी। नारायणी के विधायक हैं, तो क्या उनकी जमीन का कोई मामला है क्या? जी सर, हम 2014 में हमने मैयादीन सनाप जवाहर पंडित जी से लिया था 1 बीघे जमीन, और इसके बाद 2018 में कैलाश गुप्ता और रीता इन्होंने ले लिया 3 बीघा इसी जमीन के ऊपर जस्ट पीछे 3 बीघा, और इसके जहां 4 फरवरी 2021 में विधायक जी ने खरीद लिया। तो आज आए थे दरोगा जी और विधायक जी दो गाड़ियों के साथ, और दबंगी से कह रहे थे कि कहाँ गए वो लोग, और वहाँ स्टे भी था, स्टे होते हुए भी उन्होंने जमीन खरीद ली। कब खरीदी जमीन विधायक जी ने? खरीदी 4 फरवरी 2021, अभी खरीदे हुए है इसी महीने में। क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ रहती हैं? सौता में। अच्छा, क्या मामला है? सर, ये मामला है कि हमारी यहाँ जमीन है, वहाँ रहने नहीं पाते हैं, हमको मारते हैं और हमारे आदमी को मारते हैं, बंद कर देते हैं। कौन बंद कर देता है? कलिंजर थाना के सर। क्यों कर रहे हैं बंद? बंद कर रहे हैं कि इधर आप रहे ना, निकल जाइए इधर से, नहीं विधायक ने खरीद लिया है, घर खाली करवा रहा है, घर खाली करवा रहा है, मारने के लिए धमकी दे रहा है। और जब वो आया था इधर, हमने मना भी किया था कि इधर सर आप विधायक हैं, अपनी वो करो, हमारी मदद करना चाहते हो तुम, तो अब तुम हमको दबाना चाहते हो, तुमको नहीं इस तरह करना चाहिए, तो नहीं माना, बारे में पड़ गया, हमारी जमीन ले लिया उसने, और हम लोगों को भी धमकी देता है। जी, किसको डालेंगे? मेरे यहाँ के मकरी मध्य प्रदेश के थे 2 लोग, तो उसको ले गए 5 बजे, छोड़ा है। कब ले गए थे? 11-12 बजे ले गए हैं। आज। अच्छा, तो कब छोड़ा है? 5 बजे। अच्छा, कुछ कहा है उनसे? उससे ये कहा है कि उसको भेजना यहाँ कागज लेकर के, हम उसके कागज को समझेंगे और फिर हम विधायक से कहेंगे। और परेशान कर रहा है उनको, कह रहा है कि घर खाली कराओ और नहीं 6 महीने के लिए सजा कर दो उनको, चारों भाई को, और सजा करके हमको 6 महीने में इधर कब्जा करना, महल बनवाना, फिर उनको छोड़ना। जी, विधायक जी ने कहा दरोगा नहीं, लड़ाई हो जाएगी, उनको मारना पड़ेगा हमको।